अपने 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री नव प्रभात पर जमकर बोलियों के बाढ़ छोड़े। विकास नगर में प्रेस वार्ता के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि इतना बजट राज्य गठन के बाद से अब तक नहीं आया जितना 4.5 साल के कार्यकाल में आया। इस क्षेत्र में सारा धन विकास की योजनाओं पर लगा है। विधायक ने बताया कि क्षेत्रवासियों की सबसे बड़ी मांग पुल निर्माण को देखते हुए 56 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। इससे यमुना नाव घाट और शीतला नदी पर बड़े निर्माण कार्य चल रहा है। मांग लेकर के आते हैं, ये पूछना पड़ता है भाई साहब सड़क की चौड़ाई कितनी है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी से रोड बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए एक मानक है। मुझे 14-15 फीट की सड़क नहीं मिलती है कोई, लोगों ने तो 10 मीटर का खड़ंजा बना करके लोगों के घरों पे परमानेंट खुरेद करके पत्थर लगा गए। वो खड़ंजा तो हर साल 2 साल में बनेगा, वो पत्थर परमानेंट मकबरा बना दिया लोगों के घर को। मैंने 5-5 करोड़, 4-4 करोड़, 2.5-2.5 करोड़, 3-3 करोड़ के कामों का पत्थर नहीं लगाया। एक एक गांव में 2-2 ट्यूबवेल, पीने के ट्यूबवेल लगा दिए। बाड़वाला में 1 गांव में 2 लगा दिए। बाड़वाला डुमेत में 2 में 2 लिफ्ट स्कीम, एक पे काम शुरू हो गया, दूसरा अभी पाइपलाइन में। जितने मेजर रोड्स हैं, जितने मेजर रोड्स हैं, सब हॉट मिक्स प्लांट से बन गया। डिग्री कॉलेज में हमने स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में तैयार कर रहा हूँ। हॉस्पिटल को CIC से सीधा उप जिला अस्पताल बना दिया। ऑक्सीजन प्लांट एस्टेब्लिश इंस्टॉल कर दिया। तमाम सारे हाई स्कूल इंटर कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर का लार्ज स्केल पर विस्तार किया है, डेवलपमेंट किया है। अधिकांश विद्यालय में मैंने बच्चों को टाट पट्टी से मुक्ति दिला। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तत्कालीन विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व मंत्री ने अपने कार्यकाल में हरबर्ट पूर्व में बस अड्डे के लिए रेशम विभाग की अधिकृत जमीन को वापस करने का कार्य किया, इसीलिए बस अड्डे के निर्माण में विलम्ब हो रहा है। उन्होंने कहा कि सारी प्रक्रिया अब नए सिरे से करनी पड़ रही है। बस अड्डा निर्माण जल्दी कराया जाएगा। विकास नगर से गजम्फर अली।